नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना और संजना की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूं पोहा कटलेट। आपने पोहा की बहुत सारी रेसिपी बनाई और खाई होगी। एक बार पोहा की ये रेसिपी बनाकर जरूर देखें। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पोहा कटलेट की रेसिपी। इसके लिए हमने लिए हैं 4 मीडियम साइज के आलू। इसको उबालकर मैश कर लिया है। इसमें डालेंगे 1 बाउल सोक किया हुआ पोहा, अजवाइन, मंगरेल, 1 चम्मच चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, 2 स्लाइस ब्रेड के। इसको तोड़ के डाल देंगे। ब्रेड इसे एक अच्छा सा लुक देगा। इसमें डालेंगे नींबू का रस। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये मिक्स हो गया है। अब कटलेट बना लेते हैं। सारे कटलेट रेडी हैं। कटलेट्स को डीप फ्राई करने के लिए डालेंगे तेल और इसे गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें कटलेट्स को फ्राई कर लेंगे। इसे एक साइड सेट होने दें, उसके बाद इसे पलटेंगे। ये सेट हो गया है, इसे पलट लेंगे। कटलेट्स रेडी हो गया है। इसे हम एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। बाकी का कटलेट्स भी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। इसे गर्मा गर्म सर्व करें टोमेटो केचप के साथ। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।